सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। कांग्रेसी नेता है, बड़े नेता हैं। उन्होंने एक सलाह दी थी कोरोना महामारी में, जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उन्होंने कहा था काशी विश्वनाथ में जो सोना है वो सरकार को दे दिया जाए, उससे अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। उनका कहना सही है या गलत है इस पर मैं कोई फैसला बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यदि मंदिर सोना नहीं देना चाहता है तो वह नहीं दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना कह सकता है कि हम इस सोने को नहीं दे सकते हैं, इस गोल्ड को नहीं दे सकते हैं। लेकिन मंदिर किसी के बाप का नहीं है, मस्जिद किसी के बाप की नहीं है। आप वहां किसी को आने से नहीं रोक सकते, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। प्रतिबंध लगाएंगे तो हो सकता है आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, चाहे वह मस्जिद का इमाम हो या फिर मंदिर का महंत हो। आपको बिल्कुल हक नहीं है कि आप किसी के आने पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य महंत हैं, पुजारी हैं, उन्होंने कह दिया है कि पृथ्वीराज चौहान और उनके घर वालों के लिए अब मंदिर में आना वर्जित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, केवल यही बात खत्म नहीं होती है, उन्होंने अन्य मंदिरों से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। वहां के पुजारियों से भी कहा है कि इन लोगों का बहिष्कार किया जाए। क्या मंदिर या मस्जिद किसी के बाप की विरासत होती है, या किसी इमाम के बाप की विरासत मस्जिद होती है, या किसी महंत का के बाप का कोई मंदिर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जितना मंदिर आपका है उतना ही ना मंदिर पृथ्वीराज चौहान का है, राहुल गांधी का है, नरेंद्र मोदी का है। तो आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है यह कहने की कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? सोना देने की बात है, वह ट्रस्ट तय करेगा सोना और पैसा हमें सरकार तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इन लोगों में, इन पाखंडियों में, जो एक भक्त को मंदिर तक आने से रोक सकते हैं? एक भक्त की आस्था है, वह अपने ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, अपने भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन क्या एक महंत रोड़ा बन सकता है एक भक्त और भगवान के बीच में? बिल्कुल नहीं बन सकता है। एक महंत यह गलत काम कभी नहीं कर सकता है, यदि करता है तो वह महंत नहीं है। इस बात को जान लेना चाहिए काशी विश्वनाथ के इस महंत को, इस पुजारी को, कि आप पृथ्वीराज चौहान को आने से नहीं रोक सकते हैं, ना ही उसके परिवार का आना वर्जित कर सकते हैं, लेकिन यह काम लगातार चल रहा है। कोई भी मुख्यधारा की मीडिया इसकी आलोचना करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि खबर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम हर उस व्यक्ति की आलोचना करेंगे जो धार्मिक धर्म को गलत रूप से प्रस्तुत करेगा, पेश करेगा, वो हमारी आलोचना का शिकार बनेगा। हम आलोचना करते रहेंगे भले ही कमेंट सेक्शन में कितनी भी गालियां आती रहे। आपको क्या लगता है कि एक भगवान और भक्त के मिलाप में क्या कोई रोड़ा बन सकता है? क्या यह कोई तय कर सकता है कि एक भक्त अपने भगवान से कब मिलेगा या कब नहीं मिलेगा? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।